आज चने की दाल का वड़ा, मसाला वड़ा साउथ स्टाइल में कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। इसके लिए पत्ता गोभी, अदरक मिर्ची, नारियल थोड़ा पीस पीस करके रखा है, सोया, मरीरा, पुदीना, धनिया और करी पत्ता धो के ऐसा बारीक काट लिया है। चने का दाल, एक ग्लास चने के दाल में पाव ग्लास उड़द का दाल भिगा के ऐसा मिक्सी करके दरदरा पीस के लिया है। अभी इसमें सारा साग, जो भी मसाला अभी देखा ना, वो सब इसमें डाल रही हूँ, नारियल, अदरक, मिर्ची सब। गरम मसाला, नमक, स्वाद अनुसार नमक अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये मैं 30 जनों के लिए बना रही हूँ, ऐसा लोई बना लेंगे। देखिए लोई बनके तैयार हो गया है। अभी तेल गरम हो गया है, इसको ऐसा शेप दे करके कढ़ाई में डालेंगे, एक एक करके धीरे धीरे डालना। देखिए ऐसा हाथ में थोड़ा सा पानी लगा करके ऐसा प्रेस करके डालेंगे। देखिए रोज कलर, थोड़ा बादाम कलर जैसा आने देंगे। ऐसा घुमाते रहेंगे तो चारों तरफ एक ही कलर आएगा, क्रिस्पी रहेगा, गरम गरम खाने में, शाम के स्नैक्स में बना सकते हैं, अच्छा लगेगा सभी को, बड़ों को, बच्चों को, सभी को अच्छा लगेगा। ऊपर से क्रिस्पी रहेगा, अच्छा रहेगा खाने में, हेल्दी भी है, सब प्रकार का साग भी इसमें पड़ा है। देखिए थोड़ा पकने में इसको टाइम लगता है क्योंकि मोटा है ना, इसलिए थोड़ा धीरज धर के आराम से। देखिए कलर आ गया है, अब इसको निकाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा कलर आने से भी अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा रोज कलर निकालने के बाद भी कलर निकलता है। तो देखिए ऐसा, और बाकी जो भी है उसको भी तल के ले लेंगे। मसाला वड़ा रेडी, इसको सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ। मसाला वड़ा रेडी।